हेलो दोस्तों, GTA सनराइज की एक न्यू वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम GTA सनराइज गेम के अंदर इस लेम्बोर्गिनी कार का चीट कोड एक्टिव करने वाले हैं। आपने इस मोड को कहां से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कैसे करना है और इसका चीट कोड कैसे एक्टिव करना है, कंप्लीट जो प्रोसेस है मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। बस आपने वीडियो को कम्प्लीट देख लेना है तो आप भी अपने GTA सनराइज गेम के अंदर इस कार को एक्टिव कर पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे बिना किसी एरर के और बिना किसी ग्लिच के। सिंपल ईजी वे मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस सेटिंग को सीख लेते हैं कि कैसे आपने GTA सनराइज गेम के अंदर इस लेम्बोर्गिनी कार को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद से इसका चीट कोड एक्टिव करके आप इसे जो है ना ले सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो सेटिंग जो है ना सीख लेते हैं। दोस्तों, GTA सनराइज गेम को इंस्टॉल करने से पहले आपने इस मोड को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करो या अपने कंप्यूटर का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो और वहाँ पर आपने लिखना है GTA सनराइज लेम्बोर्गिनी मोड। आपने लिख के सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ GTA सनराइज कार्स मोड और यहाँ पे आपको वेबसाइट्स नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको GTA ऑल वेबसाइट नज़र आ रही है, इस पर आपने क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको कार्स नज़र आ रही है ऊपर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे कार्स पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको सारी कार्स के जो नाम है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने लेम्बोर्गिनी फोल्डर के अंदर जाना है तो यहाँ पे आपको लेम्बोर्गिनी नज़र आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो लेम्बोर्गिनी कार हैं GTA सनराइज गेम के लिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन आज हमने जो लेम्बोर्गिनी कार को इंस्टॉल करना है अपने GTA सनराइज गेम के अंदर वो ये वाले है, तो हमने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक न्यू पेज पे जो है हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर हम एक और पेज पर जो है ना आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ आ जाना है तो यहाँ पर हमें डाउनलोड बटन जो है ना यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कार की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन मिल रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे एक नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स नज़र आएंगे, जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा। अब आपने थोड़ी देर वेट करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपकी गेम डाउनलोड ना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ देर वेट करने के बाद आपकी जो फाइल है कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने उस फाइल को लेके आना अपने कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर हमें वो लेम्बोर्गिनी कार का मोड मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने इस मोड को एक्स्ट्रार्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगी, क्लिक करके आपने इस फाइल को ओपन कर देना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे इस तरह का एक पेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमने कार सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कार आपको नज़र आ रहा है, हॉट रिंग रेसर ए जो मैं कार सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने इस कार को सेलेक्ट करना है। इस कार को सेलेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने GTA सनराइज गेम का जो फोल्डर है उसको सेलेक्ट करना है और रिबिल्डर चिप पे टिक करके इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ही सेकेंड्स तक वेट करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि आपका जो मोड है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुका है आपकी GTA सनराइज गेम के अंदर। उसके बाद आपने टोली फाइल को क्लोज कर देना है, आ जाना है अपने GTA सनराइज गेम के अंदर। डबल क्लिक करके आपने अपनी GTA सनराइज गेम को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी GTA सनराइज गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी गेम स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने चीट कोड टाइप करना है। स्क्रीन पर मैं आपको स्पेलिंग शो कर रहा हूँ, वी रॉक पोकी। आपने ये वाली स्पेलिंग टाइप करनी है। जैसे टाइप करके कंप्लीट करोगे आपकी कार का जो चीट कोड है वो एक्टिव हो जाएगा और जो लेम्बोर्गिनी कार हमने पीछे इंस्टॉल की अपने GTA सनराइज गेम के अंदर बिल्कुल वही कार हमें मिल चुके हैं हमारे GTA सनराइज गेम के अंदर। और यहाँ पे देखें बगैर किसी एरर के, बगैर किसी जो ग्लिच आते हैं गेम के अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ पे हम अपनी गेम के अंदर लेम्बोर्गिनी कार को बड़े मज़े के साथ जो है ना यहाँ पे चला रहे हैं और यहाँ पे आप इसका जो साउंड है वो चेक करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और स्पीड के साथ जो है ना चल रही है हमारी गेम के अंदर। तो दोस्तों आपने भी अपने GTA सनराइज गेम के अंदर इसी प्रोसेस को फॉलो करके, इसी तरीके को यूज़ करके आपने इंस्टॉल करना है और इन्जॉय करना है और ऐसे चीट कोड एक्टिव करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है GTA सनराइज के बारे में तो वो अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें।